हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 5 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किन तीन भारतीय महिलाओं को नवीनतम हुरुन रिचे सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शामिल किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए किरण मजुमदार सौ, फाल्गुनी नायर, राधा वेम्बू। ऑप्शन बी है राधा वेम्बू, रिया दास, प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन सी है किरण मजुमदार सौ, फाल्गुनी नायर, माधुरी दीक्षित। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, किरण मजुमदार सौ, फाल्गुनी नायर और राधा वेम्बू। किरण मजुमदार सौ बायोकॉन की फाउंडर है, फाल्गुनी नायर एक ब्यूटी कंपनी है नाइका, उसकी फाउंडर है, और राधा वेम्बू एक कंपनी है जोहो कॉरपोरेशन, इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, उसकी ओनर है। नेक्स्ट आते हैं, राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश द्वारा किसके साथ एक समझौता किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है WWF इंडिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, WWF इंडिया। नेक्स्ट आते हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रसारण सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है अनुराग ठाकुर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रसारण सेवा पोर्टल अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अनुराग ठाकुर कौन से मंत्री है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भी है। नेक्स्ट आते हैं, विक्टर ओरबान चौथी बार फिर से कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी है चिली, ऑप्शन डी है कनाडा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हंगरी। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। और हंगरी की करेंसी है फोरिंट। नेक्स्ट आते हैं, किस शहर ने वैश्विक सहयोग उन्नत वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण बैठक की मेजबानी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है रोम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिनेवा। नेक्स्ट आते हैं, साजिबू नोंगमा पनवा किस भारतीय राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर। साजिबू नोंगमा पनवा मणिपुर राज्य का पारंपरिक त्यौहार है। नेक्स्ट आते हैं, किस एशियाई देश ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका ने। नेक्स्ट आते हैं, किसे भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विश्वनाथ मोहन, ऑप्शन बी है वी जयशंकर, ऑप्शन सी है विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो भारत का नया विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, संसद पुस्तकालय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर है, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओम बिरला जी ने। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, सड़क सुरक्षा परियोजना के हिस्से के रूप में किस भारतीय शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से कवर किया जाना है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है कोझिकोड, ऑप्शन डी है पटना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोझिकोड। तो ये तो था हमारा 5 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।